बरसात का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों को पानी के लिए दर दर की ठोकने खानी पड़ रही हैं। ग्राम पंचायत जाहो के वार्ड नंबर 5 में लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को हजारों रुपए खर्च कर टैंकरों से पानी मंगवा कर पानी की कमी को पूरा किया जा रहा है। पानी ना होने से लोगों को अपने दिनचर्या के कामों को निपटाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम पंचायत जाहो के वार्ड नंबर 5 के सदस्य सुदेश वर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 5 में लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को पैसे खर्च कर पानी के टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने आईपीएच विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। सदस्य जाहो वार्ड नंबर 5 में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, तो इस बार पानी की बहुत समस्या आ रही है। तो मैं सरकार से यह मांग करते हैं, हम यह सरकार से यह मांग करते हैं कि हमें पानी की समस्या का हल करें। लोगों को टैंकर लेने टैंकर लिए मतलब लोग जो है तो टैंकर ले रहे हैं सरकारी अपने पैसे से, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा जो है तो पानी की समस्या का हल करें। और MLA से भी हमारी यही उम्मीद है कि वो हमारी सुनवाई करेंगे और हमारे जो है तो वार्ड नंबर 5 में पानी की जो है दिक्कत है तो उसे दूर करेंगे। वहीं ग्राम पंचायत जाहो के प्रधान राजू ने बताया कि वार्ड नंबर 5 में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दर्जनों लोगों ने अपनी भूमि में कुएं बनवाने के लिए पंचायत में अर्जी दी है, उन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही प्रदेश सरकार व भोरंस विधायिका से मांग की है कि भोरंस के लिए पेयजल स्कीम लाई जाए, ताकि लोगों को पानी की समस्या से दो चार ना होना पड़े। से जो है 15 मार्च 2018 से लेकर जुलाई माह तक जो है पानी की गंभीर समस्या बनी रही, जिसके बारे में हमने विभागीय अधिकारियों को भी अवगत करवाया है और इसका स्थायी समाधान करने के लिए जो है स्थानीय लोगों ने जो है पंचायती अधिभाग के नाम जो है 3 मल्लभूमि दान करवाई है, ताकि वहाँ को जो है आने वाली गर्मियों से पहले जो है कुओं का निर्माण किया जा सके, जिसके लिए जो है बकायदा अपने जो है प्रस्ताव पास किया गया है और विभाग को इसका एस्टिमेट व नक्शा तैयार करने के लिए दी गई है, ताकि वो अतिशीघ्र इसका नक्शा व एस्टिमेट तैयार करवा कर सरकार को भेज कर जो है इसके लिए धनराशि मुहैया करवाई जा सके, ताकि गर्मियों से पहले जो है पेयजल समस्या का समाधान हो सके। जहाँ की सबसे बड़ी गंभीर पेयजल समस्या का अतिशी का समाधान करें और इसके लिए जो एक नई पेयजल परियोजना का निर्माण करने की कृपा करें।